हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें, जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉलेज लॉक करने के बाद सबसे ज़्यादा कमेंट जो आ रहे हैं स्टूडेंट के, वो यही आ रहे हैं कि आखिर में अब आगे का क्या प्रोसेस होता है, यानी सीट लॉक करने के बाद आगे का क्या प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स, प्रोसेस क्या होता है, पूरा प्रोसेस पर हमारा एक वीडियो आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है और जहाँ पर आप कमेंट करते हैं कमेंट्स बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक है, आप आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं सीट लॉक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सीट लॉक करने के बाद आपको वेट करना होता है। किसका वेट करना होता है? अलॉटमेंट लेटर। अभी अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो नए स्टूडेंट हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अलॉटमेंट लेटर होता है आपका कौन सा कॉलेज आपको प्रोवाइड किया गया है, कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स आपको अलाउड किया गया है। पूरा एक लेटर निकलता है जिसमें सारा कुछ आपका इन्फॉर्मेशन और कॉलेज का इन्फॉर्मेशन दिया होता गया होता है, जिसमें आपको सारा कुछ लिखा होता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और कब तक आप एडमिशन ले सकते हैं, तो उसे अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। अलॉटमेंट लेटर पर वीडियो आ चुका है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है कि आखिर में अलॉटमेंट लेटर कैसा होता है। अब बात करते हैं कि अलॉटमेंट लेटर कब तक आने वाला है। तो फ्रेंड्स, विथ प्रूफ जानकारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि आपका केवल यही चैनल है जो लगातार सही इन्फॉर्मेशन देता है और लगातार पिछले 2-3 सालों का अनुभव के साथ। अगर पिछले साल की बात करें तो क्योंकि पिछले साल कब अलॉटमेंट लेटर आया था, तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि पिछले साल 8 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर 2020 तक, ध्यान दें 8 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर 2020 तक कॉलेज लॉक हुए थे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के। जो भी स्टूडेंट पिछले साल फॉर्म डाले थे आसानी से देख सकते हैं, आपका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि विथ प्रूफ देख सकें कि आपका 8 दिसंबर से 12 दिसंबर 2020 तक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए सीट लॉक हुए थे। उसके बाद 17 दिसंबर को आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव हो गया था, यानी आप समझ सकते हैं कि केवल 5 दिन लगे थे आपके कॉलेज लॉक एंड से होने में और आपका अलॉटमेंट लेटर आने में। तो फ्रेंड, इस बार भी वेट करिएगा, इस बार 3 मई लास्ट डेट रखी गई है आपके सीट लॉक करने में। आप आसानी से वेट कर सकते हैं 8 तारीख तक। 8 मई तक आसानी से आपको अगर कुछ प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने नहीं किया, कोई इशू नहीं आया, तो आप आसानी से 8 तारीख तक अलॉटमेंट लेटर देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपना अलॉटमेंट लेटर कैसे चेक किया जाता है। तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, आसानी से वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको अपना अलॉटमेंट लेटर कैसे चेक करना है, कि आखिर में आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा अलॉटमेंट लेटर आया है कि नहीं आया है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, जैसे ही इन्फॉर्मेशन इसके बारे में प्राप्त होगी आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा। स्क्रीन पर आपको चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।